एक तरफ दिगरे शहर की सड़कों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। शहर प्रशासन कचरा व्यवस्थापन में मानो बेमानी पर उतारू हो गया है। वही पुराने आर्मी नाका पुल से लेकर नए बस स्टैंड तक जाने वाले रास्तों की दुर्दशा देखते ही बन रही है। कुल मिलाकर बदहाल दिगरा शहर लापरवाह जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। पेश है दिगरा संवाददाता सुबेर खान की ये रिपोर्ट। शहर भर की बदहाल सड़कों के साथ ही दिगरस में लगभग हर वार्ड में बुनियादी सुविधा के अभाव से लोग त्रस्त है। लेकिन इन सारी समस्याओं को नजरअंदाज कर इन दिनों हर चौक चौराहों पर आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर घनघोर चर्चा और बेलगाम कयासों का दौर चल पड़ा है। शाम होते ही राजनीति में सक्रिय प्रतिनिधि और कथित भावी नगर सेवक अपने पंटरों के साथ चौक चौराहों पर और अपनी अपनी सियासी चौपाल सजा रहे हैं। वहीं होटलों सहित गली मोहल्लों में भी जमकर सियासी जमघट जारी है। लेकिन इस बीच कहीं भी शहर के सड़कों की बुनियादी सुविधाओं के अभाव की, रोजमर्रा के नागरिक समस्याओं के निराकरण की कहीं कोई चर्चा नहीं है। सबके सब चुनावी कैंपेन मोड में नजर आ रहे हैं। न तो विपक्ष को जनता की समस्याओं पर सत्ताधारियों से सवाल पूछना है और न ही कथित नेता और समाज के ठेकेदारों को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना है। सबका एक ही लक्ष्य है कि चुनाव कैसे जीता जाए। किसी को बेसब्री से वार्ड फॉर्मेशन का इंतजार है तो किसी ने अभी से ही वार्ड में चुनावी फील्डिंग लगा रखी है। हालांकि शहर के अधूरे पड़े विकास कामों और रोजमर्रा की नागरी समस्याओं को सुलझाने में किसी का ध्यान नहीं है। यही वजह है कि धावंडा नदी का किनारा गंदगी और कचरे के अंबार से लदा पड़ा है। पुराने आर्नी नाका पुल से पुरानी नगर पालिका तक और पुराने पुल से घंटी बाबा मंदिर से होकर विश्राम गृह तक जाने वाली सड़क बदहाल होती नजर आ रही है। इन सड़कों पर गड्ढों का जाल सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है। लेकिन इसकी फिक्र न प्रशासन को है और न ही कथित नेताओं को, क्योंकि प्रशासन पहले से ही सुस्त है और नेता फिलहाल चुनाव जीतने की कलाबाजियों में व्यस्त है। दिगरस से BCN न्यूज़ के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।